हेलो दोस्तों, वेलकम टू राइड विद बाइक रजत यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यमा ने जो अपनी एक न्यू बाइक को लॉन्च किया जिसका नाम FZX है। तो इस वीडियो में हम इसी बाइक के बारे में सारे डिटेल्स जानने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा। तो ज़्यादा बकवास न करते हुए सीधे पॉइंट पर आते हैं, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यमा ने 18 जून को अपनी FZX बाइक को लॉन्च कर दिया है जिसका वीडियो मैंने पहले भी चैनल पर डाला हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि इस बाइक में क्या कुछ फीचर कंपनी हमें ऑफर कर रही है और इसका प्राइस कितना होने वाला है और ये शोरूम में कब तक हमें देखने को मिलने वाली है। और दोस्तों, और एक बात, इस बाइक का वर्क अराउंड वीडियो, लाइव लॉन्च वीडियो, ट्रेलर वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएगा, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। और अगर आपको FZX का एग्जॉस्ट साउंड वाला वीडियो देखना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर आइए, इंस्टाग्राम पर मैंने पोस्ट कर दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। यूट्यूब पर ये वीडियो आपको देखने को अभी नहीं मिलेगा, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर आके देख सकते हैं। राइड विद बाइक रजत इंस्टाग्राम के नाम से मेरा आईडी है, आपको आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, या फिर आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर मैंने इंस्टाग्राम का लिंक दे दिया है, वहां से भी आप मुझे एक क्लिक से फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। जापान की कंपनी यमा ने अपने FZX 150cc की रेट्रो लुक बाइक को इंडिया में लॉन्च कर दिया है। आपको इस बाइक में वही इंजन देखने को मिलेगा जो FZ सीरीज में मिलता है। तो FZX में कोई नया इंजन यूज नहीं किया जा रहा है, जो इनका पहले से FZ सीरीज का इंजन था वही इंजन को इस बाइक में भी ऐड किया गया है। हालांकि फिलहाल यमा की इंडिया में ये एक पहली रेट्रो लुक की बाइक है और यहाँ इंडिया में हम बेचारे कितने साल से यमा XSR 155 का वेट कर रहे हैं और कंपनी ने हमें प्यारा सा मीठा सा लॉलीपॉप FZX को दे दिया है। बट फिलहाल इंडियन मार्केट में ये एक न्यू रेट्रो स्टाइल की स्पोर्ट कम्यूटर बाइक है। वैसे तो FZX को टेस्टिंग के दौरान कई बार देखा गया था और इंडिया में यमा के चुनिंदा डीलरों में इस मोटरसाइकिल की लॉन्च से पहले ही बुकिंग भी शुरू कर दी गई थी। डीलरशिपों में 1000 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक की रिफंडेबल टोकन राशि लेकर प्री बुकिंग कर रहे थे, लेकिन अब FZX को ऑफिशियली ऑनलाइन और डीलरशिप के थ्रू बुकिंग लिया जा रहा है। इसमें खास बात है कि पहले 200 ग्राहकों को यमा ओरिजिनल जी शॉक वॉच दे रही है। वहीं इसके इंजन की बात करें तो 149cc का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक SOSC 2 वेल्व FI ब्लू कोर वाला इंजन इसमें दिया गया है, जिसमें आपको 7250 RPM पे 12.4 PS का पावर, 5500 RPM पे 13.3 Nm का टॉर्क मिल जाता है। साथ ही इस बाइक में 5-speed गियरबॉक्स भी दिया गया है। और वहीं क्लच की बात करें तो इसमें वेट मल्टीपल डिस्क क्लच का यूज किया गया है। ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो डुअल डिस्क के साथ फ्रंट में सिंगल चैनल ABS के साथ ये बाइक ऑफर की गई है। फ्रंट में 282mm का डिस्क साइज है और रियर में 220mm का डिस्क साइज है। वहीं इस बाइक के सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोर्क दिया गया है, जो 41mm इनर ट्यूब डायमीटर के साथ फोर्क बूट दिया गया है और रियर में 7-step एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन को दिया गया है। FZX में राउंड हेडलैम्प, टियर ड्रॉप शेप्ड फ्यूल टैंक, टक एंड रोल सीट, इंटीग्रेटेड ग्रैब रेल और फ्रंट फोक के लिए बेलो जैसे एलिमेंट्स को हाईलाइट किया गया है। ये डिजाइन यमा की XSR रेंज की याद दिलाती है। LED DRL के साथ BI फंक्शनल LED हेडलैम्प, सिल्क LED टेल लैम्प, ब्लैक आउट मैकेनिकल बाइट्स, ब्लैक एलो व्हील का एक अपस्वेट एग्जॉस्ट दिया गया है, सिल्वर हेडलैम्प ब्रैकेट और सिल्वर पैनल का यूज किया गया है, जो मोटरसाइकिल के ओवरऑल लुक को और बेहतर बनाता है। इसमें ऊंचे हैंडल बार और न्यूट्रल सेट फुटपैक मिलते हैं, जिससे लॉन्ग ड्राइव पर राइड काफी आरामदायक हो जाती है। इसके साथ ही इसमें ब्लॉक पैटर्न टायर दिया गया है, जो उखड़ खाबड़ रास्तों पर भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस देने वाला है। यमा FZX में एक नेगेटिव LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, जिसमें टेकोमीटर, ट्रिप मीटर, ओडोमीटर, फ्यूल गेज, ABS इंडिकेटर जैसे कई सारे फीचर शो होती है। FZX को वाइक कनेक्ट, जो यमा का ऐप है, इससे भी कनेक्ट कर सकते हैं। इससे स्मार्टफोन ऐप के साथ ब्लूटूथ से भी कनेक्ट किया जा सकता है, जिससे कई सारे फीचर का फायदा उठाया जा सकता है। इसमें इनकमिंग कॉल, SMS अलर्ट, रेव मीटर, किसी खराबी की सूचना, बैटरी लेवल, ऑयल चेक, टाइम पार्किंग में अपनी बाइक का पता लगाना, पार्किंग रोड, राइडिंग हिस्ट्री के साथ साथ कई और भी फीचर देखने को इसमें मिलते हैं। इस बाइक में साइड स्टैंड कट ऑफ स्विच का भी फीचर दिया गया है। FZX में 17 इंच का एलॉय व्हील देखने को मिलता है। अगर वही टायर साइजेस की बात करें तो फ्रंट में 100x80/17 सेक्शन के ट्यूबलेस टायर और रियर में 140x60/17 सेक्शन के रियर टायर देखने को मिलते हैं। वहीं फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो 10 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलता है, जो लगभग 45 किलोमीटर पर लीटर का आपको माइलेज दे देगी। ऑल न्यू 2021 यमा FZX की डायमेंशन की बात करें तो ओवरऑल लेंथ 2020 mm है, विथ 785 mm है, हाइट 1115 mm है, सीट हाइट 810 mm है, व्हील बेस 1330 mm है, ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm है और जब बाइक फुल पेट्रोल टैंक के साथ होगी तो उस टाइम इसका वजन 139 kg होने वाला है। और दोस्तों, वहीं बात करें इस बाइक के कलर वेरिएंट कि तो आपको इस बाइक में 3 कलर वेरिएंट देखने को मिलता है, जो पहला है मैट कॉपर, सेकेंड है मैट ब्लैक और जो थर्ड है वो है मेटेलिक ब्लू। तो दोस्तों, चलिए अब मेन पॉइंट और आखिरी पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं कि इस बाइक का प्राइस कितना होने वाला था। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, इस बाइक में 2 वेरिएंट को कंपनी ने लॉन्च किया है। एक में आपको ब्लूटूथ मिलता है और सेकेंड वाले में ब्लूटूथ नहीं मिलता है। तो इसमें जो स्टैंडर्ड वेरिएंट है जिसमें ब्लूटूथ नहीं है, उसका एक्स शोरूम दिल्ली का जो प्राइस है वो है 1,16,800 रुपए और इसके जो सेकेंड वेरिएंट है जिसमें आपको ब्लूटूथ मिलता है, उस बाइक का एक्स शोरूम दिल्ली का प्राइस है 1,19,800 रुपए। और इन दोनों का अगर ऑन रोड प्राइस की बात करें तो
ये लगभग जो है 1,36,000 के अंडर में आने वाली है ऑन रोड। तो दोस्तों फिलहाल इस बाइक से जुड़े यही अपडेट आप सभी को देना था कि ये बाइक लॉन्च हो गई है और इसमें ये फीचर मिलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को भी शेयर कर सकते हैं। और अगर आप ऐसे ही बाइक रिलेटेड न्यूज़ या अपडेट से अपडेट रहना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं यूट्यूब से पहले इंस्टाग्राम पर भी अपडेट कर देता हूँ, उसके बाद मैं यूट्यूब पर ही उसका वीडियो बना के डाल देता हूँ। और अगर आपका कोई क्वेरी है या आप मुझे कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिए या आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राइड विद बाइक।